नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आ गया हूं आज का कंप्यूटर का सेशन। जैसे कि हम दो क्लास पढ़ चुके हैं कंप्यूटर की, जिसमें कि हमने बात की थी महत्वपूर्ण कंप्यूटर की पीढ़ियों की और साथ के साथ हमने बात की थी साथियों सीपीयू की। लेकिन जो आने वाला एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है इसके बारे में आप जान चुके होंगे। आपका एग्ज़ाम कोई सा हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो या पटवार का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो और किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, जिस सब में क्या होता है कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लेकिन अगर साथियों हम बात करते हैं जिस प्रकार हमारा सेशन चल रहा है, आज तीसरी क्लास है हमारी, जिसमें हम बात कर रहे हैं MCQ के रूप में। MCQ का मतलब होता है क्वेश्चंस के रूप में। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आता हूं जिसमें कि हम क्वेश्चंस के साथ उनकी थ्योरी को कंप्लीट करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिटेल से आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, सीरीज क्लासेज में आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं आने वाले एग्जाम्स में इन MCQ का रोल क्या है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार कंप्यूटर आपकी दैनिक दिनचर्या के साथ आपके आने वाले एग्जाम्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हम बात करते हैं आज के सेशन की कंप्यूटर की, लेकिन बात करने से पहले हम पढ़ते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन जो कि आपको एक तरह से बनाएगी साथियों ऊर्जावान, है ना। ठीक है, बात करते हैं, जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं होता। जब कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने आप को गलत साबित या सही साबित करने के चक्कर में क्या होता है जल्दबाजी कर लेता है, और जल्दबाजी करने के साथ साथ वो आलस्य में लगा रहता है, कुछ चुनौतियों का सामना भी नहीं करना जानता। लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए फाइट करना जानोगे तभी तो उस एग्ज़ाम के महत्व क्या है, उस एग्ज़ाम के बारे में आप जानोगे तभी तो उसका पता चलेगा कि उसके लिए कितनी मेहनत आपको करनी होगी। ऐसा नहीं कि दिन भर में 1 घंटे किताब उठाए बात कर ले हाँ हो गई पढ़ाई, ऐसे नहीं होता साथियों। अगर आपको सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपको पता होगा कि जिस एग्ज़ाम को हम देने जा रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसकी सिलेबस के बारे में डिटेल जानोगे और उसके बाद सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आने वाली चुनौतियाँ किस प्रकार हमारे सिलेबस को करें, आने वाले एग्जाम को किस तरह से हमें फाइट करना है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपने लक्ष्य को लेकर बैठोगे, अपने आप को उसके लिए तैयार करोगे, अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर आओगे और एक तरह से जुनून और हौसले के साथ आगे बढ़ने की अपने आप में जिद करोगे। तो ये बात है कि जिसने कभी विपत्तियों का सामना नहीं किया उसे कभी अपनी ताकतों के बारे में पता नहीं होता है। चलते हैं साथियों, हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो हमारा कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है आज का, जिसमें बात करेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जो जनरेशन की हमने बात कर ली थी, और हम बात कर लेंगे कंप्यूटर की आज हिस्ट्री की, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रथम गणना यंत्र की हम बात करते हैं, प्रथम गणना यंत्र की हम बात करते हैं तो प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस या कैलकुलेटर या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसमें हो जाएगा अबेकस। अबेकस क्या था, एक प्रथम गणना यंत्र था, प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसमें क्या होता, इसमें एक तरह से इस तरह का यह डिवाइस था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें ऐसे लाइन बनी हुई थी, डंडे लगे हुए थे और जैसे मोतियों की माला पहनी होती थी ना, वैसे इसमें क्या होते थे, मोतियों की माला की तरह इसमें हार की तरह गोले बने हुए थे। इसी के माध्यम से क्या किया जाता था, गणना की जाती थी। इसका आविष्कार जो बात करते हैं साथियों, इसके आविष्कार की बात करते हैं तो 300 वर्ष पूर्व कहाँ पर हुआ था, चाइना में हुआ था, मतलब चीन में इसका आविष्कार हुआ था। इसकी खोज करता थे वो थे टीम केमिनर। कौन खोज करता थे, इनके खोज करता थे साथियों टीम केमिनर, एक सेकेंड, टीम केमिनर इसकी क्या थे, खोज करता थे। और हम बात कर रहे हैं किसकी, अबेकस की, जो प्रथम गणना यंत्र था, कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और इसकी खोज चाइना में हुई थी, और ये चाइना में हुई थी। एक तरह से गणना क्या होती थी, गणना इन तारों में भराए हुए जो मोती है, मोतियों के हिसाब से इसमें क्या होती थी, गणना होती थी। ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो चाइना के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबेकस इसका आंसर हो जाएगा। इसी के बारे में देखो मैं आपके सामने फोटो लेकर आया हूँ, तो देखिए इस प्रकार का ये डिवाइस था, आपको एक तरह से दिख रहा होगा ये कंप्यूटर, और कंप्यूटर का आपको कीबोर्ड भी दिख रहा होगा ना, इस कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा,
जिस प्रकार यहाँ पे मैं दिखाऊँ, तो ये देखो आप इस तरह से इसमें क्या पहना रखे हैं, गोले गोले दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से इसमें गणना की जाती थी, जो कि प्रथम गणना यंत्र कहलाया था, जिसका नाम है अबेकस, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कीबोर्ड ऐसा नहीं था साथियों, ये तो क्या है, एक फोटो है आपके सामने, लेकिन ये क्या था, एक तरह से यही कंप्यूटर था। इसी कंप्यूटर को बोला जाता था अबेकस। क्या बोला जाता था? इसी को बोला जाता था अबेकस। और जो अबेकस है प्रथम गणना यंत्र है, ठीक है। आगे चलें, और ये गणना तारों में पिराए मोतियों से की जाती थी, जिस प्रकार अंकीय गणना इसमें की जाती थी, अंकों की गणना इसमें की जाती थी। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह देख लो आप, ये पूरा अबेकस का मैं आपके सामने फोटो लेकर आया हूँ। अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को दबाकर शेयर कर दो, और सभी साथियों को बुला लो, मित्र मंडली को बुला लो, फेसबुक, व्हाट्सअप, शेयर, टेलीग्राम, सब जगह शेयर कर दो, और सभी साथियों को आमंत्रित कर लो कंप्यूटर पढ़ने के लिए, है ना। चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा आज का, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करते हैं। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर ये किसने बनाया था, कैलकुलेटर की हम बात करते हैं, कैलकुलेटर की हम बात करते हैं साथियों, तो ये किसने बनाया था, ये बनाया था साथियों ब्लेज पास्कल ने। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जो कि 1645 में बनाया था। कब बनाया था साथियों? 1645 में प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। कहीं कहीं जगह पर 1642 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको 1642 ध्यान नहीं रखना, 1645 ध्यान रखना है। लेकिन आपको अगर कन्फ्यूजन होना है, कन्फ्यूज खुद को करना है, तो ध्यान रख लेना 1642 भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात करते हैं, 1645 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो जो ब्लेज पास्कल है जिनकी हम बात करते हैं साथियों, ब्लेज पास्कल ये फ्रांस के ब्रांच के थे, ब्लेज पास्कल की ब्रांच के क्या थे, गणितज्ञ थे, फ्रांस के गणितज्ञ थे। अब इन्होंने जो बनाया था साथियों, ये किस प्रकार का था, तो इसका भी देखो मैं आपके सामने फोटो लेकर आया हूँ कि प्रथम कैलकुलेटर जो कैसा था। आपको डायग्राम अगर दिखाई दे रहा हो तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखो इसमें क्या था साथियों, कि एक तरह से आपको यहाँ पर गियर जैसे दिखाई देंगे, गाड़ियों में गियर देखे आपने, ट्रैक्टर वगैरह में या मोटरसाइकिल में, इनमें गियर देखा, गियर अंदर से है ना, ऐसा नहीं कि बाहर से गियर देखा हो। तो इंटरलॉकिंग गियर सिस्टम दिख रहा है आपको, दिख रहा है तो ध्यान से देखिएगा, इंटरलॉकिंग गियर सिस्टम इसमें यूज किया जाता था। इस प्रकार से ये डायग्राम मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसको आगे मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऊपर मैं वाइट में इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या यूज किया जाता था, तो इसमें यूज किया जाता था साथियों इंटरलॉकिंग गियर सिस्टम। ब्लेज पास्कल ने 1645 में प्रथम कैलकुलेटर की खोज की थी, इसमें इंटरलॉकिंग गियर सिस्टम का उपयोग किया जाता था। अब देखो ये क्या करता था साथियों, कि इसमें जो गणना की जाती थी वो केवल जोड़ या घटा हुई होती थी। क्या होती थी? केवल जोड़ या घटा हुई इससे काम कर सकते थे, ओनली जोड़ या घटा हुई इससे काम कर सकते थे, और काम इससे नहीं होता था। जोड़ या घटा ही काम करता था, और साथ ही और काम इससे नहीं होता था, क्योंकि इसमें क्या होता था, 0 से 9 तक, क्या साथियों, 0 से 9 तक की क्या होते थे, अंक ही थे। 0 से 9 तक की क्या था, इसमें संख्या दर्शाता था, ये 0 से 9 तक की क्या दिखाता था, संख्या दर्शाता था, और ये संख्या दर्शाने के कारण इसमें जोड़ घटा होता था, और इसी जोड़ घटा होने के कारण साथियों इसको क्या बोला जाता था, एडिंग मशीन भी इसको बोला जाता था। ये आपको एग्जाम में आने लायक है कि एडिंग मशीन किसे कहा जाता था, तो एडिंग मशीन कहा जाता था मैकेनिकल कैलकुलेटर को, जिसका निर्माण किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। कब किया था? 1645 में किया था। इसमें क्या होता था? इसमें इंटरलॉकिंग गियर सिस्टम होता था, ठीक है।
ये क्या काम करता था? केवल जोड़ और घटाव ही काम करता था और ये 0 से 9 तक की संख्या दर्शाता था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो एक बार थम्सअप करके जरूर बता दीजिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लिया आपने, ये गियर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपने दिमाग में इमेज बना लो कि क्या नाम है, मैकेनिकल कैलकुलेटर कैसा था, अबेकस कैसा था। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में इमेज बनानी है और इमेज बनाकर ही याद रखना है। अगर आपने एक बार दिमाग में इमेज बना ली इन फोटोओं की, इन कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूँ मान लो आपके एग्जाम में इनको लेकर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो साथियों मैं बात करूं कि कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी इस कंप्यूटर से पहले की माना जाता है, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, वो किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो साथियों वो था विद्युत। क्या था? विद्युत प्रकार का कंप्यूटर था। ये आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि प्रथम जो बात करता है पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले जो कंप्यूटर था वो किस प्रकार का कंप्यूटर था? तो वो विद्युत प्रकार का कंप्यूटर था। साथियों किस प्रकार का था? विद्युत प्रकार का कंप्यूटर था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपको प्रथम पीढ़ी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, प्रथम जनरेशन की बात करूँ, ये तो मैंने सभी को बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ मेरे लाडले बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ। प्रथम पीढ़ी की जनरेशन की बात करते हैं, 1942 से 1955 क्या थी प्रथम जनरेशन का टाइम पीरियड था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में किसका यूज किया गया था? तो पंच कार्ड इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। किसके लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, वैक्यूम ट्यूब, याद है आपको कल मैंने बताया था वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया गया था। साथ के साथ इसके एग्जाम्पल की मैंने बात की थी आपके साथ, इनियक की जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने, दूसरा बात करते हैं इडिसेक जो कि दूसरा एग्जाम्पल दिया था, और तीसरे की बात करते हैं, गलत लिख दिया ना जल्दीबाजी में, ये गलत हो गया। इडिसेक की हमने बात की थी और साथ के साथ हमने बात की थी मार्क वन की नीति की थी, मार्क वन की इसमें बात की थी। तो साथ ये सारे कंप्यूटर के मैंने आपको बताया हुआ था, एक कंप्यूटर जिसमें विद्युत प्रकार का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी से बात कर ली अपन ने, 1942 से 1955 प्रथम पीढ़ी, वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया गया था, पंच कार्ड की हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग हुआ था और इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, और एग्जाम्पल मैंने आपको सारे बता दिए। चले अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? भाई साहब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप जानते होंगे, और फिर भी नहीं जानते तो ध्यान से देख लो, है ना। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ये एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है। तो ये गलत आंसर है ना, ये अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, ठीक है। ये निम्न स्तर पर संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करता है, हाँ ये सही है, क्योंकि एनालॉग डिवाइस जो होते हैं वो निम्न स्तर पर संप्रेषण या कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर में अगर हम बात करते हैं तो आपको तीन टाइप याद रखने हैं। कौन कौन से टाइप ध्यान रखने हैं? पहला तो है आपके सामने डिजिटल। क्या साथियों? डिजिटल। डिजिटल के बारे में आप जानते हो नहीं जानते, जो कि किस पर कार्य करता है? बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है गुरुजी? तो बाइनरी सिस्टम होता है 01 01 01, इस तरह से ये क्या करता है फॉर्म चलती रहती है, और 0101 की फॉर्म में ये क्या करता है काम करता है। बाइनरी की बात अपन करते हैं। एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल आपको पास घड़ी होगी ना, घड़ी, डिजिटल वॉच आपने जानते हो, डिजिटल डिजिटल जो घड़ी आपने देखी है साथियों वो डिजिटल घड़ी क्या होती है? डिजिटल कंप्यूटर का ही रूप होती है। डिजिटल घड़ी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये डिजिटल हो गया। इसके बाद में क्या होता है? दूसरा एनालॉग होता है। क्या होता है साथियों? एनालॉग होता है। अब एनालॉग में क्या होता है गुरुजी? तो एनालॉग की गति डिजिटल के कंपेयर में धीमी होती है। क्या होती है साथियों? एनालॉग की गति डिजिटल के कंपेयर में धीमी होती है। गति क्या होती है साथियों? धीमी होती है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है?
तो उपयोग आपको पता होगा एनालॉग के बारे में, ध्यान रखना आप। जिस प्रकार वोल्ट मीटर में, याद हो आपको वोल्ट मीटर का आपने देखा होगा, वोल्ट मीटर में जो नंबर दिखाते हैं ना, वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, इनमें इनका यूज किया जाता है। बैरोमीटर ये इसके एग्जांपल बता रहा हूँ साथियों में, है ना। एनालॉग जो की बात करते हैं, इनकी गति धीमी होती है, ये विद्युत जो एनालॉग होता है इसी प्रकार इनको काम में लिया जाता है। डिजिटल को बाइनरी सिस्टम में काम करता है, 0101 की फॉर्म में चलता है, एग्जाम्पल डिजिटल घड़ी हो गया। एनालॉग की हमने बात कर ली। तीसरा टाइप की हम बात करते हैं साथियों, वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल में पूछा जाता है। जिस प्रकार हाइब्रिड कंप्यूटर होता है साथियों, इसमें क्या होता है कि इसमें एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। कि गुरुजी एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, तो देखो आपको सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल बता दूँ आपको। पेट्रोल पम्प आपने देखा है, एग्जाम्पल इसका हो गया पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप की मशीन देखी आपने, अगर नहीं देखी तो देख लेना जाकर ढंग से कि वो किस तरह से काम करता है एनालॉग और डिजिटल का। वो क्या होता है मिक्सअप होता है, क्या होता है मिक्सअप होता है एनालॉग और डिजिटल का। इसमें क्या होता है कि एनालॉग के रूप में तो इनपुट आउटपुट निकलते हैं, एनालॉग के रूप की अगर बात करते हैं तो इसमें इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट तो एनालॉग में निकलते हैं, है ना। लेकिन जो बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग होती है साथियों, किसकी बात करते हैं प्रोसेसिंग अगर इसकी होती है तो किस में होती है, वो डिजिटल में होती है। किस में होती है डिजिटल में इसकी प्रोसेसिंग होती है, और एनालॉग के रूप में इनपुट आउटपुट होता है। कैसे बताऊं आपको, तो इस तरह से देखो आप, है ना, यहाँ पे जगह नहीं बची फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो आप, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिस तरह से इनपुट गया, इनपुट जाके ए डी सी, फिर क्या होगा सी पी यू, यार यहाँ पे नहीं होगा ना, रुको एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ। आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। देखो हाइब्रिड के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो एनालॉग की बात करते हैं, एनालॉग से तो क्या होगा इनपुट आउटपुट निकलेगा, तो किस तरह से काम करता है, तो इनपुट दे दिया अपन ने, इनपुट के बाद में एनालॉग, डिजिटल और कंप्यूटर, इसके बाद में इसमें क्या होती है प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू जानते हो आप, सीपीयू कल मैंने पढ़ाया था आपको, कंट्रोल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद है आपको, जिसमें मेमोरी, रजिस्टर और एएलयू होता है। याद है आपको मेमोरी सीयू और एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होती है ना। इसके बाद एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग और कंप्यूटर का कंप्यूटर, इस तरह से क्या निकल जाता है आउटपुट निकल जाता है। और एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा साथियों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोल पम्प। क्या हो जाएगा पेट्रोल पम्प। तो तीनों आपको समझ में आई होगी, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड की अपन ने बात कर ली, हाइब्रिड के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप ध्यान रखना। एनालॉग के बारे में आप ध्यान रखना, और डिजिटल के बारे में 0101 की फॉर्म बाइनरी सिस्टम पर ये आधारित है। ये बेसिक आपका चल रहा है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो एनालॉग कंप्यूटर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये निम्न स्तर पर क्या होता है कॉम्युनिकेट करता है, क्या करता है संप्रेषण करता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये देख लो आप, एनालॉग कंप्यूटर का जो डिवाइस है, इस तरह का ये डिवाइस मैं लेकर आया हूं, ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। देख लो आप, ध्यान से देख लो, अगर किसी प्यारे बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है तो भीड़ भड़क्का ना करें, अपने आराम से देखो, नोट करते जाओ ना। अगर आप नोट करते जाओगे तभी तो एग्जाम में ट्यूशन कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे घर पर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, और सुपर कंप्यूटर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसमें संग्रहण क्षमता जो होते हैं अपन, संग्रहण क्षमता, डाटा स्टोरेज की क्षमता बहुत होती है। क्या होती है साथियों, बहुत होती है संग्रहण क्षमता, ठीक है। साथ के साथ अगर इसकी गति की बात करते हैं तो गति भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसकी गति क्या होती है, गति स्पीड जो बात करते हैं अपन, स्पीड हाई होती है, स्पीड क्या होती है इसमें हाई होती है। ये किस में यूज किया जाता है, तो ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक जो काम होते हैं, वैज्ञानिक गतिविधियों के जो काम होते हैं, जिस प्रकार आपने देखा होगा श्रीहरिकोटा से अपने क्या करते हैं रॉकेट उपग्रह लॉन्च होते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर। तो साइंटिफिक जो बात करते हैं गतिविधियों के लिए सुपर कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, और इनकी गति, संग्रहण क्षमता ये सब क्या होती है
तेज होती है। इसमें क्या होता है साथियों, अगर इसमें स्टाइल से बात करते हैं अपन तो हजारों माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगे हुए हैं। मैंने आपको कल माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया था, आपको ध्यान होगा साथियों कि माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी में आया था। कौन सी पीढ़ी में आया था? चौथी पीढ़ी में आया था। चौथी पीढ़ी कब आई थी गुरुजी? तो 1975 से 1989 तक क्या थी? चौथी पीढ़ी थी। किसका उपयोग किया गया था? तो VLSI का उपयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर था शक्ति। कौन था साथियों? शक्ति था। किसने बनाया था? तो IIT मद्रास ने बनाया था। अगर इसी में बात करते हैं, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वो था इंटेल 4004, याद है आपको, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें हजारों तरह के माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो एक साथ बहुत सारे प्रयोग के डाटा प्रोसेस करता है। हाँ, बहुत सारे काम करता है सुपर कंप्यूटर, एक से मल्टीपल वर्किंग कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है गुरुजी। ये तिरु तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। हाँ यार, कंप्यूटर है तो गति तो तिरु है, लेकिन ये महंगा भी होगा, है या नहीं है? हाँ है। तीसरी बात करते हैं, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। बड़े संगठनों की मैंने बताया अभी, साइंटिफिक गतिविधियों में ये काम किया जाता है, काम में लिया जाता है, वैज्ञानिक गतिविधियों में इसका काम लिया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो ऑल ऑफ दी अबव इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। और ये साथियों जय माता दी इसका आंसर है। अब मुझे इन क्वेश्चंस का आप जवाब देने की कोशिश करें, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था साथियों? अगर किसी बच्चे को याद है तो वेरी गुड, अगर याद है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में सीडेक, याद है आपको? सीडेक याद है आपको? याद नहीं है तो सीडीसी जो कंप्यूटर था, सीडीसी 6600 की हम बात करते हैं। ये विश्व का क्या था? सुपर कंप्यूटर था, 1964 में बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था बताइए? भारत का याद है आपको? परम। भारत का सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं भला, तो वो कौन सा था साथियों? वो था साथियों परम। क्या सा था? परम 800 याद है आपको, जो कि असफल था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। ये भारत का सुपर कंप्यूटर था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, संग्रहण क्षमता बहुत होती है, गति स्पीड हाई होती है, मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है इसमें साथियों, साथ के साथ में इसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग के साथ पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है। ये सारी चीज़ें सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं और आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना की हम बात करते हैं तो ये किसने बनाई थी? बुनियादी संरचना, कंप्यूटर का जो पितामह किसे कहा जाता है बताइए मुझे? कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है साथियों बताइए? चार्ल्स बेबेज को, ब्लेज पास्कल को, जॉर्डन मूरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना इन्होंने क्या किया था? काम में ली थी। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना क्या ली थी साथियों? काम में ली थी। अगर हम बात करते हैं साथियों इसमें, तो इन्होंने पता है 1820 में जो अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने क्या किया था कि एनालिटिक और डिफरेंस इंजन के बारे में आपने सुना होगा ना? डिफरेंस इंजन जो कि हम बात करते हैं 1820 में डिफरेंस इंजन इन्होंने बनाया था। और ये डिफरेंस इंजन एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम था, और डिफरेंस इंजन के बाद में क्या बनाया था इन्होंने? एनालिटिकल इंजन बनाया था जो कि एक कंप्यूटर का रूप था, इंजन बनाया था जो कि क्या था साथियों? एक कंप्यूटर का रूप था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसी के कारण इनके जो प्रयास थे, इनके कारण इनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर के पितामह बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में आई होगी, ठीक है। इन्हीं के जो ये प्रयास करने के बाद में पहला कंप्यूटर बनाया था, इनके ही कॉन्सेप्ट में, जो कंप्यूटर का नाम था कंप्यूटर प्रोटोटाइप। क्या याद है? कंप्यूटर प्रोटोटाइप। इनके जो प्रयास थे, प्रयासों के कारण ही साथियों अभी हाल ही में, सॉरी अरे यार
कंप्यूटर प्रोटोटाइप की बात करते हैं, जो इनके कंसेप्ट में कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? तो गुरुजी कॉन्सेप्ट था एनालिटिकल इंजन की हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अदर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। और फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन कहलाते थे? आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, ये कौन कहलाते हैं साथियों? तो ये कहलाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन ह्यूमैन की हम बात करते हैं ये कहलाते हैं फादर ऑफ आर्किटेक्चर जॉन ह्यूमैन। और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख लें। और बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की हम बात करते हैं तो ये कौन कहलाते हैं बताइए आप? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस इसकी हम बात करते हैं, ये कहलाते हैं साथियों, एक सेकेंड, कंप्यूटर साइंस ये कहलाते हैं साथियों एलन ट्यूरिंग जो बात करते हैं वो फादर ऑफ क्या कहलाते हैं? एलन ट्यूरिंग की हम बात करते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहलाते हैं एलन ट्यूरिंग ये कहलाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की एलन ट्यूरिंग कहलाते हैं, जो फादर ऑफ कंप्यूटर जो बात करते हैं चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो जॉन ह्यूमैन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? जॉन ह्यूमैन कहलाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं, जो कंपनी बनाई थी वो कंपनी किसकी थी? बिल गेट्स, याद है आपको। कंप्यूटर की जो बात करते हैं मार्केट में लेकर आए थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने ये इंजन बनाया था एनालिटिकल इंजन। कब की बात है? 1820 की ये बात है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन बनाया गया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में मैंने एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड के बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया है साथियों, है ना? बताया नहीं बताया? बताया ना, तो बताया तो आंसर देने की आप कोशिश करो। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। अगर हम बात करते हैं साथियों, ये मेरा प्यारा सा लैपटॉप है, ठीक है। अगर इस लैपटॉप की मैं बात करूं, डेल कंपनी का है ना, ये कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो ये डिजिटल है या एनालॉग है? अब मुझे ये बात कंफर्म कर दो कि ये डिजिटल है या एनालॉग है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले ये कंप्यूटर होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, जो हमारे घरों में सामान्य काम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर इसी की हम बात करते हैं तो ये कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये कहलाते हैं साथियों डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? डिजिटल कंप्यूटर ये कहलाते हैं, जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल। और डिजिटल के बारे में मैंने आपको बताया, 0 और 1 के फॉर्म में ये चलते हैं, और इनकी जो बात करते हैं स्पीड है वो अच्छी स्पीड होती है ना। स्पीड क्या होती है? अच्छी स्पीड होती है कंपेयर टू किसके? कंपेयर टू बात करते हैं अपन तो उसके बारे में, कंपेयर टू बात करते हैं एनालॉग के बारे में हमने बात कर ली। ये देख लो आप, ये आपको पास कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा या माउस है, ये देखो कितना सुंदर कीबोर्ड दिख रहा है, कितना सुंदर कंप्यूटर दिख रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को ज़बरदस्त शेयर कर दो, सभी साथी जो भाग चुके हैं उनको वापस बुला लो और बता दो कि क्लास अच्छी चल रही है, भागना मना है। अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपके मन को कोई और कंट्रोल कर जाए। याद है ये कौन है? ये स्पेशल, ये रसगुल्ला की बात करते हैं ना, ये मेरी प्यारी, मेरी क्लास का प्यारा रसगुल्ला है। और प्यारा रसगुल्ला की हम बात करते हैं, जो कि मैंने कल भी बताया था, ये रसगुल्ला है भाई साहब विजय रसगुल्ला ना, इसकी हम बात करते हैं। तो ये रसगुल्ला कौन है? विजय रसगुल्ला है, जो कि क्लास तो देखता है लेकिन लाइव में नहीं देखता, बाद में देखता है। कब देखता है? लाइव में नहीं देखता, बाद में देखता है। बस प्रॉब्लम है कि सर टाइम नहीं होता लाइव के समय, है ना। तो उससे बोल देना अगर आज लाइव है तो अच्छी बात है ना, ठीक है। आगे चलते हैं रसगुल्ले साहब, तो अपने मन को कंट्रोल कर लो भैया, कोई और आपके मन को कंट्रोल कर ले, इससे पहले अपने आप को कंट्रोल आप कर सकते हो, ठीक है।
करे क्या है भाई साहब, करे क्या है ये बताओ, ये आप तो करे क्या है इसके बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर ये करे बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको देखने से मज़ा आ जाता है ना। ऐसा कुछ नहीं है, करे एक सुपर कंप्यूटर है साथियों। कौन है कंप्यूटर? करे एक सुपर कंप्यूटर है और सीमोर करे जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। कौन से सुपर कंप्यूटर के जनक की हम बात करते हैं साथियों? वो माने जाते हैं सेमुर क्रे। क्या नाम माने जाते हैं? सेमुर क्रे जो माने जाते हैं सुपर कंप्यूटर के जनक ये माने जाते हैं। अगर इसी में मैं बात करूं आपसे तो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1976 में रिसर्च कंपनी के द्वारा, कब साथियों? 1976 में रिसर्च कंपनी के द्वारा अमेरिका की बात चल रही है, इन्होंने जो क्रे वन फर्स्ट जो कंप्यूटर बनाया था ये एक तरह से सफल सुपर कंप्यूटर था। ये क्या था? सफल सुपर कंप्यूटर था। और अपन ने बात की थी ना साथियों सी डी सी की, चार सरसों की बात करते थे, वो जो 1964 में बनाया था वो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन वो सफल कंप्यूटर नहीं था। वो क्या नहीं था? सुपर कंप्यूटर नहीं था। लेकिन जो करे है ये करे एक सुपर कंप्यूटर है, ये जो की बात करते हैं 1976 में रिसर्च कंपनी के द्वारा बनाया गया था। भारत की बात करते हैं तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो कौन सा था बताइए? अभी हाल ही में मैंने बताया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप छाप दो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। आगे चलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। परमशीलिंग जो बात करते हैं 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। भारत का सुपर कंप्यूटर के अलावा भारत का कंप्यूटर एक और था, याद है आपको? सिद्धार्थ नाम याद रखना है ना, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा गिरती है ना। एक सेकेंड है ना, आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये देख लो आप किस तरह से सुपर कंप्यूटर में आपके सामने दिखाने को लाया हूँ, किस तरह से इनकी साइज होती है और किस तरह से इनको बनाया जाता है। मल्टीपल प्रोसेसर इसमें यूज किए जाते हैं, हजारों की संख्या में प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, तभी तो इनकी गति बहुत हाई होती है साथियों, है ना। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? भाई साहब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार बार आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो ये मान लो आपका एग्जाम में कम से कम 2 से 3 कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये जनरेशन की बात है। और मल्टी प्रोग्रामिंग प्रयोग किस पीढ़ी के द्वारा शुरू हुआ था? तो ये हुआ था साथियों चतुर्थ पीढ़ी में। कब हुआ था? फोर्थ जनरेशन में ये हुआ था। फोर्थ जनरेशन की बात आ गई तो आगे तो अच्छी बात है, जा क्या रहा है, फिर से रिवीजन करा देता हूं। अगर आप तैयार हो तो रिवीजन कर लो, जो भी हमारा नया रसगुल्ला जुड़ा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। जनरेशन की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन का टाइप पीरियड 1942 से 1955, वैक्यूम ट्यूब का इसमें उपयोग किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं तो 1955 से 1964 के बीच में, ठीक है, किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था गुरुजी, ट्रांजिस्टर का उपयोग इसमें किया गया था। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो 1964 से 1975 मान लो, और 1975 की बात करते हैं तो आईसी का इसमें उपयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन की गुरुजी बात करते हैं तो 1975 से 1989 की हम बात कर लेते हैं, और इसमें किसका उपयोग किया गया था? VLSI का उपयोग किया गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर की बात की थी अपन ने, माइक्रो प्रोसेसर की हमने बात की थी और माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया था साथियों। तो इसमें ये चतुर्थ पीढ़ी का था जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग के बात हुई थी। फिफ्थ जनरेशन की भी मैं बता देता हूँ साथ में, 1989 से वर्तमान तक क्या हो रही है, वर्तमान तक फिफ्थ जनरेशन चल रही है। और जो बात करते हैं इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग इसमें किया जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आप इसमें रिपीट करवाएगा, बिल्कुल छाप लेना, दीवार में चिपका लेना। किसकी बात करें अपन? तो ये बात कर रहे हैं साथियों फिफ्थ जनरेशन की बात हो गई, इसका आंसर हो गया फोर्थ जनरेशन में मल्टी प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या बात कर रहे हैं अपन? मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर इसमें बात करते हैं साथियों, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था? देखो
मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? भाई साहब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, आपने यूनिवेक का नाम सुना है? यूनिवेक का, यूनिवेक जो कंप्यूटर था वो यूनिवेक जो बात करते हैं पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था इसके बारे में आपको पता है। और जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, एक तरह से जो सर्वर एरिया होता है, सर्वर एरिया की हम बात करते हैं तो सर्वर एरिया कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जिस प्रकार एक पूरा सर्वर एरिया होता है ना, ये सर्वर एरिया की बात करते हैं तो साथियों आपने सुना होगा रेलवे का एक सर्वर है, बैंक का एक सर्वर है, जिस प्रकार एटीएम में जाते हो आपका एटीएम कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक का, लेकिन आप एसबीआई के एटीएम में जाकर क्या कर लेते हो, पैसे निकलवा लेते हो, एसबीआई का कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक में जाकर क्या कर लेते हो, पैसे निकलवा लेते हो। तो एक तरह से बैंकों का क्या बना है, सर्वर बना हुआ है, जिसमें क्या होता है आपका अकाउंट लिंक होता है और जिस प्रकार आपका एटीएम कार्ड डाला आपने उसमें एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड लगाया और साथ के साथ अपना क्या होता है सर्वर के सिस्टम से बैंकिंग कनेक्ट होती है और बैंक कनेक्ट होने के कारण क्या होता है आपका पैसा उस बैंक के अकाउंट से कट जाता है। तो सर्वर एरिया में इसको यूज किया जाता है। जिस प्रकार सर्वर एरिया की बात करते हैं तो रेलवे का सर्वर हो गया, बैंक का सर्वर हो गया, इनमें इनका बात की जाती है। एग्जाम बात करें तो एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, जो बात करें यूनिवेक जो कंप्यूटर है, यूनिवेक कंप्यूटर इसका बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल समझा जा सकता है। किसकी बात करते हैं, मेन फ्रेम की अपन बात करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था मेन फ्रेम के अंदर। तो मल्टीक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये बनाया गया था साथियों बेल प्रयोगशाला में। कहाँ बनाया गया था, बेल प्रयोगशाला में ये बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, ये तथ्यात्मक जानकारी है कंप्यूटर को लेकर, जिस प्रकार विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की हमने बात की थी 2 दिसंबर को मनाया जाता है, एक तथ्यात्मक दिवस है, तो इस प्रकार इसका बेल प्रयोगशाला में मेन कंप्यूटर को मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उम्मीद करता हूँ ये ट्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं तो जिस प्रकार का होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर साथियों, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर हम बात करते हैं ना, ये क्या होता है, ये कार्ड पंच कार्ड है, ये इस तरह से इसमें पूरी डिवाइडेशन कर रखा है। ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से फोटो के माध्यम से, इमेज के माध्यम से मैं समझाने के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, और सारी चीज़ें समझ में आ रही तो एक बार सेशन को दमा शेयर कर दो, लाइक अगर जितने बच्चे देख रहे उतने लाइक होने चाहिए, और कमेंट सबका क्लास के बाद में होना चाहिए कि हाँ सर सेशन अच्छा था, इस सेशन से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है और पढ़ने में मजा आ रहा है। आगे चलते हैं साथियों, बात करते हैं हम नेक्स्ट ट्यूशन की। विश्व का पहला सबसे सुपर कंप्यूटर, मैंने अभी हाल ही में आपको बताया विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो 1976 में जिसकी हमने बात की थी करे सुपर कंप्यूटर था, वो 1976 में एक सफल सुपर कंप्यूटर था साथियों, ना सफल सुपर कंप्यूटर था जो 1976 में बनाया गया था, ठीक है। ये कब बनाया गया था, 1976 में ये बनाया गया था। किसकी बात कर रहे हैं अपन, तो ये सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। उम्मीद करता हूँ आपको ये तथ्यात्मक सारी जानकारियाँ समझ में आ रही होगी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भाई साहब इसका तो सब जानते हैं और नहीं जानते तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें और बता दीजिए कि भारत में निर्मित प्रथम जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, और मुझे इस बारे में और बता देना कि किसने बनाया था। इसका आंसर तो मैं बता जाता हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चे देख रहे हैं उनका सबका जवाब होना चाहिए। कहीं से भी आप ढूंढ कर लाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस आपको सिखाना मेरा काम है और आप सभी सीखोगे जब खुद कुछ मेहनत करोगे। ऐसा नहीं मैं आंसर बता के चला जाऊँगा तो आप क्या करोगे, नोट करके उसको रिविजन कर लोगे। कहीं कहीं आप व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो तो गूगल भी चला लिया करो, और गूगल में थोड़ा सा कंसेप्ट जो मैं क्वेश्चन पूछूँ उतना तो ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। भारत का प्रथम जो निर्मित भारत का प्रथम निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था वो नाम था साथियों सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ये आपको तथ्यात्मक जानकारी है जो ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था। आप मुझे ये बता दो, फिलहाल इसी क्वेश्चन के अंतर्गत मैं पूछ लेता हूँ, विश्व का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन से देश ने बनाया है और उसका नाम क्या है। देखो क्या है, विश्व का
सुपर कंप्यूटर वर्तमान की हम बात करते हैं साथियों ना, कंप्यूटर जो कि बात करते हैं किसने देश ने बनाया 2020 में बनाया है साथियों, जापान ने। किसने बनाया है? जापान ने बनाया है और कंप्यूटर का नाम है फुगाको। क्या नाम है साथियों? फुगाको, ये कंप्यूटर का नाम है। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 में विश्व का सुपर कंप्यूटर की बात करते तो किस देश ने बनाया? जापान ने बनाया और कंप्यूटर का नाम है फुगाको। नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार अगर भारत के वर्तमान सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, भारत के वर्तमान सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो भारत में वर्तमान सुपर कंप्यूटर कौन है साथियों? तो भारत में वर्तमान सुपर कंप्यूटर है साथियों प्रत्युष। नाम सुना होगा आपने, प्रत्युष जो भारत का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोनों चीज़ मैंने बता दी, भारत का सुपर कंप्यूटर और विश्व का सुपर कंप्यूटर। विश्व में सबसे ज़्यादा जब 500 कंप्यूटर की बात आई थी उसमें अगर रैंकिंग दी थी तो 63 नंबर पर, कौन सा 63 नंबर पर भारत का एक कंप्यूटर आया था सुपर कंप्यूटर में। 63 रैंक आई थी और वो रैंक किसकी आई थी? परम सिद्धि कंप्यूटर की आई थी। किसकी आई थी? परम सिद्धि कंप्यूटर की आई थी। ये कितने रैंक में से आई थी साथियों? 500 सुपर कंप्यूटर की रैंक में से इसको दिया गया था और 500 सुपर कंप्यूटर में से 63 रैंक किसकी आई थी? परम सिद्धि कंप्यूटर की आई थी। तो भारत का जो बात करते हैं वर्तमान सुपर कंप्यूटर प्रत्युष है, विश्व का सुपर कंप्यूटर 2020 में बनाया गया फुगाको है और साथ ही के साथ हम बात करते हैं साथियों तो ये किसने बनाया था? जापान ने बनाया था। ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? वो था साथियों सिद्धार्थ। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं आगे। तो ये था साथियों, बात करते हैं सिद्धार्थ कंप्यूटर, उस टाइम की ये फोटो है जिस टाइम सिद्धार्थ बनाया गया था। ठीक है, ये परम के बारे में बता दूं, परम नोज द हिस्ट्री ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये परम की फोटो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, इसको आप देख लेना। ये आपको इमेज बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ कि भारत का प्रथम जो कंप्यूटर था परम की, ये सुपर कंप्यूटर बोला गया था, है ना। ये बात करते हैं तो ये है प्रत्युष जो भारत के क्या था, इंडियाज फास्टर एंड फर्स्ट मल्टीपल पेटाप्लॉप्स सुपर कंप्यूटर था टू इम्प्रूव वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट के लिए ये बनाया गया था। तो प्रत्युष की भी हमने बात कर ली है। ठीक है साथियों, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, है ना। थैंक यू, लव यू ऑल।